अस्सलाम अलैकुम वाली फैमिली को मिलने जा रहे बच्चे, पहली दफा पाकिस्तान जा रहे। लास्ट वीक इतना रश था ब्लैक फ्राइडे की वजह से, मॉल में इतने लोग थे वीकेंड पर, और अभी इतना ज्यादा रश नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ हैं, इनमें से भी देखते हैं। ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये पीछे भी है और यहाँ पर भी। मुझे लगता है ये वाली ले लेती हूँ, ये और ये सेट ले लेती हूँ। इसकी वजह से इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है सारा कनाल वॉक। Welcome back to Yusra's Life in Africa. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, मेरे अम्मी अब्बू आए हुए थे मुझे मिलने के लिए और वो वापस चले गए। सब जो आते हैं और फिर उनको अपने वापस अपने घर जाना होता है। एक और न्यूज है जो कि बहुत अच्छी है मेरे लिए। अच्छी ये है कि मैं अपनी फैमिली, पाकिस्तान वाली फैमिली को मिलने जा रही हूँ, और दूसरी अच्छी बात यह है कि मेरे बच्चे पहली दफा पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं देखा, सो फर्स्ट टाइम है उनके लिए पाकिस्तान जाना, वहां पे जाके सब कुछ देखना कि कैसा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पाकिस्तान हम लोग जा रहे हैं 6 साल के बाद, मैं जा रही हूँ 6 साल के बाद, बच्चे तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, बस उसकी तैयारी में लगे हुए। और आज भी थोड़ा निकलना है, फाइनल कुछ तैयारी करनी है, तो बस निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान। इसकी वजह से इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है सारा कनाल वॉक। अच्छा, मुझे ना कुछ गिफ्ट सेट्स देखने हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे आके देखती हूँ कि अगर इनके पास मुझे कुछ अच्छे गिफ्ट सेट्स मिल जाते हैं। लड़कियों के लिए कुछ मुझे ले लें। अच्छा, यहाँ पर कुछ हैं, इनमें से भी देखते हैं। ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये पीछे भी है और यहाँ पर भी। वो गिफ्ट देने के लिए ना अच्छे भी लगते हैं उसके अंदर, जैसे ये हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। मैं देखती हूँ इनमें से। चले साथ साथ हम लोग ना जल्दी जल्दी में आए हैं यहाँ से, पहले हम लोग कॉफ़ी और सैंडविचेस ले लेते हैं यहाँ से, ये खा लेते हैं और फिर बाकी की भी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि घर में भी इतने काम है, बाहर भी इतने काम है। तो मैंने कहा कि हम लोग एक ही दफ़ा बाहर जाते हैं और वहीं से छोटा मोटा कुछ ना कुछ खा लेंगे और साथ में शॉपिंग भी कर लेंगे। शॉपिंग करने के लिए आए, हम खाने के लिए तो नहीं आए। मैंने खाना था कि आपने मुझे कहा कि आपको भूख लगी है। लास्ट वीक इतना रश था ब्लैक फ्राइडे की वजह से, मॉल में इतने लोग थे वीकेंड पर, और अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है। अभी ये हॉलीडे सीज़न आ रहा है ना, तो बच्चों के लिए कितनी अच्छी स्लाइड्स, आइस स्लाइड्स बना रहे हैं ये, और हम दिसंबर में अक्सर यहाँ से चले जाते हैं जब ये यहाँ पे कोई भी ये फन गेम्स रखती हैं, और अरहम का इतना दिल करता है आने को, और हमें यहाँ पर नहीं होते। अभी हम जा रहे हैं, ये और ये सेट ले लेती हूँ, है ना, ये और एक ये, ठीक है ना। अच्छा, बस ये ले लेती हूँ। अरहम, आप ट्रॉली बहुत छोटी लेकर आए हो, और ये वाले ले लेती हूँ साथ में। अरहम, आप मुझे बड़ी ट्रॉली ला दो क्या? हाँ, ये नीचे रख दो। बस हमारी तो तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, और अब हम टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब हमारा लास्ट स्टॉप जो है वो लोहिसा है, और ख़त्म ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ याद आता जा रहा है। तो हमने कहा बस यहाँ से थोड़ी सी ज्वेलरी लेते हैं और फिर घर चलते हैं। इतनी प्यारी ज्वेलरी है ना, दिल करता है ये फैंसी ज्वेलरी है कहीं फंक्शन पे पहनने के लिए। इतनी नाइस लग रही है ये। जो मैं लेने के लिए आई हूँ वो मैं कर नहीं रही हूँ, और मैं ये ज्वेलरी
देख रही हूँ, मुझे ये सेट कितने अच्छे लगते हैं ना। कौन सा वाला मैं वो होता है कि आप क्या गिफ्ट लेना है, मुझे अच्छे मिल गए हैं एटलीस्ट आज के दिन, तो मेरा वो काम बन गया। तो मैंने कहा कुछ बच्चों के लिए कुछ ज्वेलरी ले लेती हूँ, और फिर बड़ों के लिए तो समझ नहीं आती, बैग्स ही समझ आती है। तो चले अब हम आ गए हैं घर, और ये कुछ गिफ्ट्स पैक मैंने लिए, और ये भी अभी मुझे पैक करने हैं कुछ लड़कियों के लिए। मैंने कहा कि ये चले बच्चों को अच्छे लगते हैं तो उनके लिए ले लेती हूँ। तो बस अब ये भी रखूंगी बैग में, और फाइनल फाइनल पैकिंग करके अभी ये सारा काम खत्म करती हूँ। और अब ये चीजें हम लोगों ने ना पैक किया है, हमने इतनी अच्छी तरह से सारा कुछ ये पैक किया हुआ है। हमारी फैमिली में एक छोटी सी बेबी है जिसको एक्चुअली में हम पाकिस्तान मिलने के लिए जा रहे हैं, और हमने इतने प्यार से उसके कपड़े लिए हैं। और आप देखिए हमने इतनी अच्छी तरह से, मेरी अम्मी हंस रही थी, अम्मी कह रही थी ये ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग शादी पे भी देते कपड़े, और वैसे हमने पैक किए। लेकिन एक्चुअली हमें ना उसके लिए इतनी खुशी है कि हम उसको मिल रहे हैं, तो हमने इतने प्यार से उसके कपड़े पैक किए हैं। और ये सारी चीज़ें अभी इसके अंदर मैंने रखी हैं, और सबके लिए इतना टाइम निकाल के हमने पैकिंग की है, और अब मुझे ये सब चीज़ें बैग में रखनी है। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, अपनी भी पैकिंग करनी है, गिफ्ट्स भी करने हैं, तो अभी जल्दी जल्दी करूँगी। बस हमारी पैकिंग तो बस थोड़ी बहुत रह गई थी, और आखिरी मिनट तक आपको पता है कि ये पैकिंग तो पैकिंग का काम तो चलता रहता है, बैग्स खोलो और फिर से चीज़ें रखो, इधर उधर करो, ये सब चलता रहता है। तो बस मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ जिसमें आपको बता देती हूँ कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूँगी जब मैं एयरपोर्ट पर होंगी और पाकिस्तान जा रही होंगी, और नेक्स्ट व्लॉग्स मैं पाकिस्तान में बनाऊँगी। आप अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।